हाँ जी दोस्तों, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। जिवें तुहानू सारयां नू पता है, असीं जाणदे हां कि पिछले कुछ दिनां तों दिल्ली च शांतमई चल रहा है। संघर्ष नू ढा लाउण वास्ते केंद्र दी सरकार ने जिहड़ा प्रोपेगंडा कीता 26 जनवरी वाले दिन, ते उस तों बाद जो हिंसा शुरू। कल भी सिंघू बार्डर ते पथराव होया, उस सारियां घटनावां करके साडे सारे लोकां दे जिहड़े दिल ने हिरदे ने बलूंदरे गए ने। ते असीं बेनती करदे हां, वैसे आम आदमी पार्टी भी तैयारियां कर रही सी म्यूनसीपल कमेटी दीआं इलैक्शनां दीआं, पर हुण असीं बेनती करदे हां कैप्टन सरकार नूं कि जदों तक किसानां दा अंदोलन सफल नहीं हुंदा उदों तक इहनां दी डेट आ जिहड़ी इलैक्शनां दी अग्गे पा दित्ती जाणी चाहीदी है, क्योंकि उस संघर्ष नूं अज साडी लोड़ है। उस संघर्ष च साडे भाईचारे नूं नाल किसानां जथेबंदियां दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़न दी जरूरत है। ते असीं चाहुंदे हां कि जदों तक किसान अंदोलन सफल नहीं हुंदा उदों तक असीं सानूं इहनां इलैक्शनां नूं अग्गे पा के इक मुठ हो के दिल्ली जाणा चाहीदा है। सिंघू बार्डर, गाजीपुर बार्डर, टिकड़ी बार्डर जिहड़े मोर्चे लगे ने, मोर्चियां च जाके अपना योगदान पाउणा चाहीदा। ते इक गल होर उहनां वीरां वास्ते जिहड़े कहिंदे ने लाल किले ते झंडा लहरा के असीं बहुत बड़ी जित प्राप्त कर ली, तां मैं बेनती करदा उहनां वीरां नूं कि हिंसा नाल कुछ भी प्राप्त नहीं होणा। जिन्ना इस अंदोलन ते साडा खर्चा होया, जिन्नी साडी एनर्जी वेस्ट हुई आ, जिन्ना करोड़ां दा साडा उत्थे लंगर चल रिहा, तेल पाणी फुक रिहा, तां उहनां वीरां नूं मैं बेनती करनी चाहुंदा कि इन्ने खर्चे नाल असीं अपना लाल किला बना सकदे सी दिल्ली च। सानूं किसे दे लाल किले ते जाके झंडे लहराउण दी जरूरत नहीं कि जिहड़ा 10-15 मिंट बाद उत्थों दी पुलिस ने आ के साडा झंडा उतारता। इन्ने रुपये खर्च के असीं तां अपना लाल किला बना सकदे सी उत्थे, पर नहीं, साडा मकसद लाल किला बनाउणा जां लाल किले ते झंडा लाउणा नहीं। साडे हक, साडी किसानी, साडा रुजगार, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, MC ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ